बहू चाय पिला दे। अरे अरे अभी अभी तो पूजा खत्म की है, थोड़ी सांस ले चैन से। अरे अभी ना बोलेंगे ना तो आधे घंटे के बाद चाय मिलेगी। अभी बोल दो है ना तो कम से कम 10-15 मिनट तो लगाएगी बहू। वाह वाह वाह, कितना सोच लेती हो तुम इन सब चीजों पे। का मतलब? मतलब कि अच्छी चीजों पे अगर इतना दिमाग लगाती ना तो आज तुम सुखी होती। अरे किन्ने कह दिया तुमसे कि हम सुखी ना आएंगे? हम बहुत भले चंगे खुश आएंगे। दिखता है चेहरे पे, हमेशा चिड़ी हुई रहती हो। देखो तुम ना सवेरे सवेरे हमारे मूड के नींबू ना निचोड़ो। हम जैसे भी हैं बिल्कुल सही आएंगे। सही बात है, अब इस उम्र में क्या बदलोगे तुम? मेरा बोलना ही बेकार है। असल बात पता क्या है? क्या? चिड़े भाई तुम हो। मैं? किस बात पे? हाँ, कि तुम तो निकल लिए और हम अभी भी मस्ती से जी रहे आएंगे। क्या पागल हो क्या? हाओ हाओ, हमें खूब पता है तुमसे ना हमारी खुशी देख ही ना जाती है। तुम्हें भी चाहिए 3 टाइम को खानो पहन लो, हमारे संगे रात को टिकानो, जो तुम कर ना पाते हो, जे के कारण तुम हमसे जलते हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मैं अंदर जाके बैठता हूँ। अब समझ में आया होंदू कहीं के। ए देखो चाय ना आई अभी तक। ए बहू चाय कब? कल मिलेगी या मंदिर के सामने जाके बैठ जाए? आ जाओ मेरे हीरा, खोलियो बेटा। बेटा उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, जी को घर आ गया, घर आ गया, घर आ गया। आए अरे नींद में आएगा। उठ जाओ बेटा, सुनो, उठ जाओ, घर आएगा तुम्हारी राम रे। मेरी हालत और तुमने बिगाड़ दी, हम थक गए। अरे राम। अरे केट, कमिंग मदर। मामाओं ने एक पर्स दियो तो? हाँ? हमाओ पर्स दे दे बोल रहे। What purse you told him? Me not knowing any purse. अरे वही पर्स जो हमने तुम्हें दाओ तो। Oh that one, me was giving it to Malaika. के बकवास कर रही दीदी, हमारे पास नहीं है कोई मम्मी की पर्स, तूने ना दी मन ने। Malaika, you having this purse? We giving it this to you, na? यो मारी पर्स है, मम्मी का पर्स ना है हमारे पास। But we was actually keeping the purse in the taxi seat. बाबरिया। जा सारे ने तो तीवरी नहीं लगा दो। ले आओ। बापरस टैक्सी में ही रहेगा, कौन उठाओ ना। जी हमेशा जुई कराते हैं, जी अपनी चीजन को ख्याल ना रखते तो हमारी का रखती। अरे तो तुम्हें जब इतनू पता है तो यार बाको देती काय हो तुम? ऐसे हमारी गोद में ऋतिक सोए रहा हुआ तो ताई सामने जाए दो तो अब हमें 3,000 रुपया कह सकते। ठीक है यार, टेंशन ना लियो, टैक्सी वालों हमारी पहचान को है, या तो वो घर दे जाएगा अगर पर्स में लगाओ बाको, या थाने में दे जाएगा, टेंशन ना लियो। अरे सत्यानाश जाए बा टैक्सी वाले को, नाम ना लो बार ना से बीटे को, तो पता नहीं कौन से ऊबड़ खाबड़ रास्तों से लाओ और बीच रास्ते में बाकी टैक्सी बंद आ गई। शादी को मजा किरकिरा कर दो ना से पीटे ने। अरे अम्मा ठीक है, तुम जब से देखो तब से बाको घरे आ रही हो। आरती उतारे बाकी? अरे तो पता थोड़ी है तू बाको के टैक्सी बंद हो जाएगी, कछु कसूर थोड़ी है, मशीन है, हो जाती है बंद। तो मशीन को ना चेक करना चाहिए ना पहले। वो घुस के बैठो का बाकी अंदर, जो पता चल जाए कि भैया मशीन बंद होने वाली है, गाड़ी बंद हो जाएगी। पापा 100 बात की 1 बात, सारी गलती आप ही की है। जो कबा करो, सारे हमारी गलती कैसे है? आपकी गलती इसलिए है क्योंकि आप इतनी निचावर खाते हो और आप फैमिली के लिए एक सेकेंड हैंड कार नहीं खरीद सकते। अगर ऋतिक इज टेलिंग राइट। हाँ, पहली बार जिंदगी में कुछ पते की बात करी है इसने। लेकिन कोई फायदा ना है बेटा, तुम्हारे पापा एक साइकिल तो खरीद नहीं सकते हैं, कार खरीदी है जे, बहुत ही दूर की बात है, हटो होते बेटा। अरे लानत है तो पे हपुआ। हाँ अगली बार हमको किसी शादी में ले जाएगा ना तो पहले कार खरीदियो फिर हमसे बोलियो, ठीक है? सत्यानाश हमारे गोडे पिराए रहे। चल दे। अरे राम कैसी शादी। बहुत बढ़िया, गलती को की हो, बिल की पर्ची लास्ट में हमारी खोपड़ी पे ही पटती है। एहसान कर रहे हैं सारे पार्टी में जाके। क्या
या ना जाए जे टैक्सी वालों को सारो मजा गिरा करता हुआ माओ हाय राम तुम इतने का कर रहे हम आए तो गुर्दे मुंह से बाहर आ गए जी मैं तो ऐसे ही यहाँ लेटा हुआ था जी का मैग थी अच्छा इतने अश्लील तस्वीरें देख के मस्ता रहे हते नहीं नहीं ये तो यही ऐसे ही पड़ी थी अच्छा बकवास मत करो अब हमारी समझ में आ रहा है कि तुम काहे हमारे संगे शादी में ना आए इतने जे छिचोरी हरकतें जो करनी आती तुम्हें क्या बोल रही हो तुम और मैं शादी में क्यों आऊंगा मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया था अरे दीवार पे टंगा हुआ हो कोई स्पेशल इनवाइट ना करेगा तुम्हें लेकिन तुम तो कह सकती थी ना कि हमारे पतिदेव आएंगे साथ में लेकिन तुम क्यों बोलोगी तुमने तो खुद सुबह मुझे डांट दिया था अच्छा बकवास मत करो और मुद्दे पे आओ जे बताओ कि जे अश्लील तस्वीरें काय देख रहे आते अरे भाई ये किताब खुली पड़ी थी मेरी नजर पड़ी और तुम आ गई घुइया अंधेरे में पेट के बल लेट के जा तस्वीर को ऐसे निहार रहे थे जैसे लड़की को खाई जाओगे हटो ये क्या बोल रहे हो तुम खाम का राय का पहाड़ बना रही हो एक्सक्यूज मी हमाओ नाम कटोरी है गो खबरदार जो कट्टो कट्टो कहा आज के बाद और राई को पहाड़ हम ना बना रहे इतनी उम्र है गई है टैं बोल गए हो फिर भी ऐसी छिछोरी हरकतें कर रहे आते छी 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 शर्म आनी चाहिए तुम्हें कट्टो कटोरी हाँ हाँ कटोरी देखो तुम थक गई हो हैं अभी तुम आराम करो कपड़े बदल लो थोड़ा टिका लो सुबह बात करेंगे हैं अब ना सुबह ना शाम कोई बात ना होगी चलो गायब हो जाओ इतने से हमें ना देखनी तुम्हारी शक्ल अब देखो ये तुम बदतमीजी है हाँ अरे ये है बदतमीजी ये शरीफों को घर है गो है तुम्हें जो भी करना है ना शमशान में जाके करो तस्वीरों के साथ इतने नहीं सुनो ना ये तस्वीरों में मैं तुम्हें ही देख रहा था कटो कटोरी हम जब तक वापस आए ना गायब हो जाइयो क्या बीवी मिली है अरे यार आ जाओ ना आप सो जाओ कहा तुम हमें कह रहे हो का तुम्हारे अलावा जब कमरा में कौन और है का जो उनसे कहेंगे आ जाओ सो जाओ ना हमें लगो तुम गुप्ताइन को कह रहे हो कौन गुप्ताइन अच्छा कौन गुप्ताइन याद करो कौन गुप्ताइन हमें क्या पता याद ना आ रहा है शादी में जिनके संगे तुम खुले बैल की तरह नाच रहे थे तुम हमें खुलू बैल कह रही ना ना मुद्दे की बात तुम मिस कर गए जिसके संग तुम नाच रहे थे हम कौन के संग में नाच रही थी हम तो अपनी बिटिया केट के संग में नाच रही थी गुइया केट के संग तुम पियन के पहले नाच रहे थे तो पर पीने के बाद कौन के संग में नाच लाओ याद ना आ रहा है ना वो बावकट वाली हाँ जाके संग खूब खिलखिलाए खिलखिलाए के नाच रहे होते अच्छा अच्छा पूले पूले गाल आते बाकी जोन पीलू पीलू कलर को साड़ी पहनी थी हाँ हाँ ब्लाउज कौन रंग को तो बताइयो ना मैचिंग को जी का बदतमीजी है अच्छा हम बदतमीजी कर रहे हैं तुम अपनी बीबी के सामने पराई औरत के संग नाच रहे हो बदतमीजी ना है क्या कर रहे हैं हमारी बीबी हमारे साथ नाचती ना है हम खूब नाचते हैं तुम्हें हमारे संग नाचना ही ना है ना तुम्हें शर्म आता ना हमारे संग नाचने में बेफालतू की बातें ना करो यार तुम हमने तुम्हें 36 बार होते कही आओ आओ रज्जू हमारे साथ नाच लो तुम आई ना तुमने खूब पी रखी थी नाचत वक्त हमारे ऊपर गिर जाते तो सबके सामने नाक ना कट जाती का करेक्ट तो अब सही मुद्दे पे आई ना तुम
शर्म तो सारे तुम्हें आ रही है हमारे साथ नाचने में। तो ना कम पिया करो ना, मुफ्त की शराब मिले नहीं कि सब गटक गए। शराब कभी देखी ना का जीवन में? तुम यार हमें ज्ञान ना दो, हमें कितनी पीने हैं कितनी ना पीने हैं सब पता है। अब ऐसा ना पी रहे हम, समझ गई? ज्यादा ज्ञान ना पेलो। बस जाग गो, तुम अंदर को मरद है ना, औरत ने नए ज्ञान दो ना कि बस अंदर को तुम्हारा मरद तुरंत जाग गो। कहां की बात कहां ले जा रही? हमने एक आसान सी बात कही थी, आ जाओ पास में लेट जाओ, कितने प्यार से कही। बस आरो आसान सी बात को जवाब ना मिलो, सैकड़न ताने पेल दे। ऐसे तुम घटिया हरकत करे ना तो ताने ही मिलते, पुच्छी ना मिले। तुम दो फिट नक दूर सोइयो हमसे, ठीक है? सुनो, हम बहुत ही संवेदनशील हैं, तो इसे तुम्हें कमरा के बाहर ना निकालना है। देव माई चादर। तेरे मुंह का ही लटको बहु है। ना ना माँ, मुंह तो तुम्हारी बहू को लटको। तो तू शादी में ऐसी छिचोरी हरकतें करेगो तो तेरी आरती उतारेगी माँ। ऐसो कछु ना करो हमने। अरे बात तो का है के बा, पीछे पड़ गई हमारे, हम तुम्हें पूरी बात बता रहे। वाह आई हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गई, जीजा हमारे संग मटक लो, हमारे संग में नाच लो, तो हम मना ना कर पाए। बाकू मन रखने के लाने आता ना। अच्छा, और जब राजेशिया ने तो उसे बोलो कि हमारे संग डांस कर ले तो तेरी नानी मर गई ना। भाई टाइम पे अचानक से सारू कमिश्नर को फोन आ गो, फिर राजेश आ गई अपनी फरमाइश पेल रही, उनने हमारे दिमाग को दही कर दो कमिश्नर ने, दोनों बातें एक साथ तो कैसे करती। अच्छा, अब आ के बाद तू बा लड़की के साथ काय मटक रहो हो तो कह तो रही तुमसे, कसम से हमें बा में कौन इंटरेस्ट ना तो बा लड़की में है ही नहीं है इंटरेस्ट, बा पीछे पड़ गई ना हाथ धो के। तो बिल्कुल सच कह रहा है आपको बेटा, लेकिन ये सास बहू है ना, एक ही तालाब की मछलियां है, ना वो मानती है ना ये मानेगी। तुम तो चुपा ही रहो, समझे? क्यों चुप रहो? एक तरफ तुमने रायता फैला रखा है। बिल्कुल सही राय तो फैला हुआ है हमने। अम्मा, तू करने का जो कांड कर दो। अरे का बताएं, मरने के बाद भी चैन ना है, अश्लील चित्रों वाली पुस्तक पढ़ते हैंगे। अम्मा का बात कर रही तुम? हाँ, जैसो बाप वैसो बेटा। ना ना अम्मा, डोकर ज्यादा रंगीले है थी। तू भी कम रंगीलो ना है गो। अम्मा, जो तुम्हारी चाय। तुम्हारी चाय हमारे लाने ना ले आई तुम? जगर में नौकर ना लगे हम, जिन्हें पीने खुद ही बनाए ले। रात को गुस्सा उतरो ना का तुम आओ। तुम्हारी उतर गई रात की? बचुड़ाल के संगे तो बहुत मस्त आ रही है, बाकी बारे में का ख्याल है? तो मैं हमारी बात को एक सेकंड ठहर जाओ। अम्मा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं बिटिया में लड़की में कौन इंटरेस्ट ना आता, बल्कि हम बासे डांस करत करत उल्टो कह रहे थे। Me knowing what father told into that lady. क्या कह रहे थे बेटा? Father saying that I love you darling. क्या? ये जी कैसी फालतू की बातें कर रही? ऐसी हमने कछु अरे कछु ना कही हमने, ऐसो कछु नहीं, नाच रहे थे गा रहे थे, बल्कि डांस करत करत हमने जरूर बिटिया से कही कि तेरे डांस के चक्कर में हमारे घर को माहौल बिगड़ जाएगो, बल्कि जब आपको अंदेशा में पहले से होगो तो कि जाको मीटर बिगड़ेगो तो माओ भी बिगड़ेगो। ओके फादर, मी वाज जस्ट जोकिंग मदर, फादर इज राइट। लगा ली आग, अब तो कर दू माफ। बहु बेटा मान जा, लोंडा सही कह रहा है। ऐसे राजेशिया कैसो भी है ये, हमारी झूठी कसम ना खाए को, गलती आ गई है, माफ कर दे। सोच ले अम्मा, तुम्हारे कहने पे छोड़ रहे इन्हें। हाउ हाउ, हम कह रहे हैं ना, औरतन के मामले में अपने बाप पे ना गौ है। क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, मैंने कब दूसरी औरतों में अपना इंटरेस्ट दिखाया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुप हो जाओ, समझे? अम्मा देखो, हमने तुम्हारे कहने पे तुम्हारे लल्ला को माफ कर दो ना, तुम हमारे कहने पे पिताजी को माफ कर दे। वैसे जे माफ करने वाली पार्टी तो ना है, तो तू कह रही है तो सोचेंगे। खा, हमारी बहू बहुत प्यारी है। आई लव यू मेरी बच्ची। लव यू मेरी बच्ची बोल रहे हैं। पिताजी राधे राधे, पैर छू रहे हैं। जी दे रहे हो मेरी बच्ची, आशीर्वाद दे रहे हैं। चाची चाची राम राम। जी दे रहे।
क्या बात है चाची, है मतलब इतना आशीर्वाद यहाँ सबको बट रहा है तो हमने क्या पाप किया, हमें भी आशीर्वाद दे दीजिए आप। अरे पेनिया, माओ आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। नहीं नहीं चाची, अब वो मतलब पुराना वाला आशीर्वाद नहीं चलेगा, मतलब जीते रहो, खुश रहो, केस मिल जाए, तरक्की हो, ये नहीं, अब एकदम नया इंस्टेंट आशीर्वाद चाहिए जिसकी हमें सख्त जरूरत है। तो सीधो सीधो काहे नहीं कहते कि आशीर्वाद ना चाहिए, सीधी बिमलेस चाहिए। बहुत जल्दी समझ में आ गया, हम तो तब से यही कह रहे हैं, लेकिन इस घर में हमें कोई सीरियसली नहीं लेता है, क्या करें अब चाची बताइए आप। इसका बात करें, हम तो कितने सीरियस हैं। राजेश तुम तो मत ही बोलो यार, मतलब तुम अगर सीरियस होती तो आज हमारे घर में कम से कम, अब तो ऐसे नौ नौ नहीं तो कम से कम पांच पांच तो खेल ही रहते छोटे छोटे बच्चे। अरे बेनी अंकल आप एक काम करो, मुझे गोद ले लो। हाँ यो सही बात से, वैसे भी ये कि अकेला सबके बराबर से। नहीं नहीं बेटा, मतलब तुम तो हो बहुत ही प्यारे, लेकिन क्या ना कि हमें तुम्हारे जैसा बच्चा नहीं चाहिए। खैर ये सब छोड़ो, हम ये कह रहे राजी सुनो, मेरा ना एक असिस्टेंट आएगा, एक कागज लेके एक फाइल लेके, वो अपने पास रख लेना, हमें बहुत जरूरी काम है तो हम जा रहे हैं, शाम को वापस आएंगे तो ले लेंगे, ठीक है ना। अच्छा चाची मैं चलता हूँ, बस चाची आ रहे। ना ना एक सेकेंड रुक जा, इतने तो तूने बताओ आदेश दे दो, तू कहाँ मस्त आने जा रहे हो। अरे एक बाबा आया हुआ है, तुम लोग से तो कुछ हो नहीं पा रहा है, नल्ले निकले तुम हमारे दोस्त, उनसे कुछ हो जाएगा, अब उन्हीं का भरोसा चलते बेटा। अरे बेनी अंकल आप एक बार मुझे गोद लेके तो देखो, आपका नाम रोशन कर दूंगा। तूने आज तक बाप को नाम रोशन करो है, जाको कर दे को बेनी को। मम्मी ला टिफिन बॉक्स दे दे, देर हो रही से। खाओ लाए रहे टिफिन। सुनो तुम्हारे लाए चाय लाए रहे हैं। हाओ हाओ बहुत काम करती है हम, अदरक अदरक कटवाएंगे साथ में जाके। आ रहे बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बच्चा, क्षमा कीजिएगा थोड़ा विश्राम करने लगे, देर रात तक लोग आते रहे। नहीं नहीं बाबा जी क्षमा तो हम चाहेंगे, मतलब हम सुबह सुबह आपके पास आ धमके हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं बच्चा, ये बताओ कि परेशानी क्या है। बाबा जी हमारी परेशानी ये है कि हम एक लड़की से बहुत प्रेम करते हैं और और आप उस कन्या को बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपका विवाह हो नहीं पा रहा है। क्या बात है बाबा जी, आपको कैसे पता चला। आपकी नाभि देखकर। नाभि मतलब कौन सी, पेट वाली। और कौन सी नाभि होती है बच्चा। नहीं नहीं मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमने कभी आपको अलग से अपनी नाभि तो दिखाई नहीं है, ये लिए हम समझ नहीं पा रहे थे। बच्चा आपकी शर्ट इतनी बिछी हुई है कि आपके दो बटनों के बीच में आपकी नाभि दिख रही है, यानी झांक रही है। क्या बात है बाबा जी, आप कमाल है, मतलब काफी पारखी नजर रखते हैं आप बाबा जी। सब नाभि का कमाल है बच्चा। हमारी नाभि का, हम किसी की भी नाभि पढ़कर उसका अतीत वर्तमान और भविष्य सब बता सकते हैं। बस बाबा जी बस, मतलब अब जो है ना आप हमें इस नाभि से बाहर, नहीं नहीं मतलब इस दलदल से बाहर निकालने का कष्ट करिए, कोई एक उपाय बता दीजिए बाबा जी। कन्या का नाम बताइए जरा। विमलेश। परिवार में और कौन कौन है। बाबा जी एक एक बड़े भैया हैं डमरू। नहीं डमरू नहीं, डोमर नाम होगा उसका। डमरू तो शिव जी के पास है। क्या बात है बाबा जी, डूमर ये नाम, कमाल है बाबा जी आप, मतलब। और उसकी एक बड़ी बहन भी है राजेश, राजेश जिसकी जो शादी हुई है मेरे बचपन के लंगूटिया दोस्त हप्पू सिंह और पड़ोसी के साथ। हाँ दो लोगों के साथ शादी हुई है। दो दो लोग नहीं, एक ही ना भी है, मतलब एक ही आदमी से शादी हुई है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि राजेश और हप्पू की तो शादी बहुत अच्छे से हो गई है, लेकिन हमारी और बिमलेश की शादी नहीं हो पा रही, यही प्रॉब्लम है। तो कैसे होगी बच्चा, उसकी बड़ी बहन की शादी जो हो गई है। तो मतलब ऐसा है बच्चा, बिमलेश की बड़ी बहन के विवाह ने बिमलेश का विवाह खा लिया है। खा लिया, दाल चावल जो खा लिया। ऐसा है बच्चा, अगर बिमलेश और आपका विवाह पहले हो गया होता तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन बड़ी बहन का विवाह पहले हो जाने की वजह से बिमलेश के विवाह में शनि लग गया है। तो आप क्या उपाय है बाबा जी।
एक ही उपाय है बच्चा। क्या? उसकी बड़ी बहन की शादी तुड़वानी होगी, फिर आपका विवाह बिमलेश से होगा। ऐसा है बाबा, क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? है हप्पू हमारा ना बचपन का दोस्त है, और राजेश भी हमारी बचपन की दोस्त है, और अभी तो बिल्कुल भाभी जैसी है, और हम जो है उसकी शादी तुड़वा नहीं सकते। और हम तो क्या, वो खुद भी अगर चाहे ना तो अपनी शादी हमारे होते हुए नहीं तुड़वा सकते, समझो कि नहीं? शांति बच्चा, शांति शांति, आराम से आराम से आराम से, बाबा से बात कर रहे हैं। देखो बच्चा, जो बता रहे हैं ध्यान से सुन लो, अगर ये शादी नहीं तुड़वाई तो बिमलेश के बच्चे तुम्हें मामा 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 कह के पुकारेंगे। ऐसा है ना बाबा, तुम जाओ घुइया के खेत में, समझो कि नहीं? अगर तुम्हारा इस शहर में इतना नाम ना हुआ होता ना, तो मार मार के बुद्धि हरी कर दी होती अब तक, समझो कि नहीं? शांति शांति, ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो दुष्ट पापी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे दोस्त की शादी हम नहीं तुड़वाएंगे, भले हमारी शादी ना भी हो तो भी चलेगा। ये तो तुम्हारी ना भी में लिखा हुआ है बच्चा। बाबा जी, बाबा जी, कोई और उपाय है तो बताइए।